दरभंगा में एक सनसनी खबर सामने आई है। रोजी रोटी के लिए घर से दूर रह रहे कोलकाता में काम करने वाले दरभंगा के हायाघाट प्रखंड निवासी मोहम्मद इरफान की लाश संदिग्ध अवस्था में मब्बी स्थित कैंसर अस्पताल के पास मिलने से जिले में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि इरफान कोलकाता से बस में बैठकर अपने गांव हायाघाट आ रहा था और अचानक परिवार वालों को सूचना मिली कि उनका लाश संदिग्ध अवस्था में मब्बी निकट से पाया गया है, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। दरभंगा में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आ रही है। परिवार वाले भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि उनका लाल मरा नहीं बल्कि अपराधियों के द्वारा मारा गया है। इधर सूचना पाते ही जाप के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना दी, साथ ही प्रशासन से जल्द कड़ी कार्रवाई करने और सरकार द्वारा पीड़ितों को मुआवजे देने की भी मांग की है। मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के रहने वाले हमारे मोहसिन साहब वसी भाई का बेटा होनहार बच्चा था, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हंस के हर बात को टाल देना और हर सब से मिल के रहना मिलनसार लड़का, उसका समय मृत्यु हो जाना ये अपने आप में एक रहस्यमय है और इस रहस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। जो जब वो कलकत्ता से घर के लिए निकला, घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, किस कारण से मृत्यु हुई और उसकी लाश ऐसा नहीं कि कहीं बस में मिला, जबकि वो बस से आ रहा था, उसके अलावा NH 57 पर रोड किनारे सड़क किनारे मिला, जो मब्बी के पास था पड़ा हुआ। तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उनसे मांग करती है कि इसका निष्पक्ष जाँच हो। देखिए, ये कलकत्ता गया हुआ था, वहाँ काम करता था पहले से ही, तो वो वहाँ से आ रहा था, तो बड़े वाले भाई जो उसके सिकंदर वहाँ से फ़ोन किए कि इरफान जो है बस से चला गया है, उसको बस में बैठा दिए हैं जाना। तो यहाँ सबको ये इंतज़ार कर रहे थे कि आज उतरेगा सुबह में तो घर आएगा, तो काफ़ी टाइम हो गया, सुबह का 8-9 बज गया, तो किसी को कोई खबर नहीं है, अभी तक पहुँचा नहीं। तो एक बैग खबर आता वहाँ से थाना से कि इरफान खान का जो है ना मृत्यु हो गया, मर गए हैं। तो वो गांव के एक लड़का के मोबाइल पे आता है उनका खबर, उसके बाद वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उसकी लाश पड़ी रहती है, वहां से लेके DMCH आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए।